हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसने कल रात से ही मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। ये हम सभी जानते हैं कि 12th CBSE फिज़िक्स का जो पेपर हुआ था वो काफ़ी टफ आया था और उम्मीद से काफ़ी अलग आया था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का पेपर बिगड़ा है। अब उस पेपर बिगड़ने के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें दिखने लगे हैं। मोहाली में एक बच्चे ने जस्ट 9 मार्क्स के लिए सुसाइड कर लिया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ सिर्फ एक फिज़िक्स का पेपर नहीं है। नो डाउट हम सबके एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे और सबने ही सपने देखे होंगे कि हम अच्छे अच्छे मार्क्स लेंगे या 90+% बनाएंगे एंड सो ऑन, बट आगे क्या होगा सब कुछ अनप्रडिक्टेबल रहता है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है तो प्लीज़ उसे मत लाइए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप सबका ही उसमें नुकसान करेंगे और अपने आने वाले आगे के एग्ज़ाम्स भी उससे अफेक्ट कर देंगे। ऐसे टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो पेरेंट्स का होता है, तो इसलिए आज मैं थोड़ी सी बात पेरेंट्स से करना चाहूँगा। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो ध्यान रखें कि बच्चे ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं हो रहे, या इनफैक्ट पेरेंट्स खुद भी बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करें तो अच्छा रहेगा। पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों का जो डेली रूटीन है, जो भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ है, वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं उस पर थोड़ा सा मॉनिटरिंग करते रहें। वो प्रॉपर खाना खा रहे हैं कि नहीं उस पर थोड़ा ध्यान देते रहें। सभी बच्चों को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। अगर बच्चा नहीं कर रहा है ये, तो ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को कम से कम 7 से 8 घंटे सोने के लिए फोर्सफुली बोले, तभी जाके वो एग्ज़ाम में कुछ कर पाएगा। सबसे लास्ट चीज़, पेरेंट्स को हमेशा बच्चे को ये विश्वास करा के रखना चाहिए कि वो हमेशा हर वक्त हर मोड़ पे उनके साथ रहने वाले। कभी भी बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि वो अकेला है। अगर बच्चे पॉजिटिव रहेंगे तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे, और अगर बच्चे नेगेटिव होके इस टाइप की हरकतें करते रहेंगे तो उससे ओवरऑल सबका ही नुकसान होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी। ऐसी न्यूज़ कभी भी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, बट स्टिल ऐसी न्यूज़ लाने का मकसद बस यही है कि आप सब इस केस से ये सीख सकते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ स्कोप रहता ही है। अगर आपका फिज़िक्स का पेपर बिगड़ा भी है तो आपके पास अभी भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप वो परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप कभी भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाएंगे। थैंक यू।